एपिसोड की शुरुआत होती है दोस्तों, जहां हमें दिखाया जाता है कि अपना पुटेनिस ब्लेड दो लोगों से लड़ रहा होता है, लेकिन ब्लेड उनको बिल्कुल भी नहीं मारता, वो बस उनके वारों को डॉच कर रहा होता है। वेल, ये सब देख के अपनी आनेस उसके पास आती है एंड कहती है कि तुम उनके वारों को क्यों डॉच कर रहे हो, हिम्मत करके उनसे लड़ो, क्योंकि लोगों के वारों को डॉच करना मतलब एनिमी का काफी बड़ा डिसरिस्पेक्ट करना होता है। प्रोटैगनिस्ट ये सब देख के उसको घूर ही रहा होता है एंड कहते हैं कि आज तुम काफी अलग लग रही हो। ये सब देख के आर्नेस्ट काफी शर्मा जाती है एंड वो कहती है कि किस अंदाज में मैं अलग लग रही हूँ। प्रोटैगनिस्ट काफी सोचता है एंड वो रिप्लाई में कहते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। ये सब सुनते ही अपनी आर्नेस्ट काफी सैड हो जाती है एंड वो कहती है कि मैंने ये सब इसलिए नहीं करा ताकि तुम मुझे नोटिस करो, चलो कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। तभी अपना प्रोटैगनिस्ट सोफी को देख पाता है कैसे वो फाइट कर रही है एंड वो सोचता है कि उसके पास जाके बात करेगा। तभी उसके एंड आर्नेस्ट के बीच में बात चलती है कि सोफी शुरुआत से ही काफी शांत किस्म की है, वो बस लोगों का कमांड फॉलो करती है एंड काफी ओबीडियंट लड़की है ये। वो वैसे किसी से भी बात नहीं करती है, लेकिन जब तुमने उससे उसका नाम पूछा, उसने नाम बता भी दिया था, वो काफी शॉकिंग बात थी। ये बोल के अपना प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो अपनी सोफी के पास चला जाता है जहाँ पे उससे बात करता है एंड वो कहता है उससे कि मुझे आर्नेस्ट ने यहाँ पे भेजा है ताकि मैं देख पाऊँ कि तुम ट्रेनिंग कैसे कर रही हो। ये सुनती वो कहती है कि क्या ये किसी तरीके का कमांड है, जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कोई कमांड नहीं है, ये बस मेरी एक विल है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। ये सुन के अपनी सोफी कहती है कि लेकिन मैं तो सिर्फ हाथ ही यूज कर सकती हूँ और कुछ मेरे को आता नहीं एंड ये सब सुन के अपना प्रोटैगनिस्ट डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसको देता है एंड कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। ये सब सुन के अपनी सोफी काफी टाइम सोचती है, उसके बाद फिर अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि चलो ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ। उतने में वहाँ पे एक सेवक आता है जो कि कहता है कि आज का प्रैक्टिस का टाइम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों ये होने वाला है क्लासरूम फॉर हीरोज का एपिसोड नंबर 2 जिसका नाम है सोफी। आगे हमें दिखाया जाता है कि अपनी सोफी मिलकर के एक स्टील के वॉरियर के ऊपर हमला कर रही है। तभी प्रोटैगनिस्ट उसको समझाता है एंड कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को ऐसे यूज करना है जैसे वो तुम्हारी ही बॉडी का कोई पार्ट है, तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी इसको अपनी स्वॉर्ड में भी डालना है, उसके बाद हमला करना है। एंड ये सब बोल के वो उसको दिखाता है कि कैसे उसने जो है ये सब करा है, उसकी स्वॉर्ड चमकना शुरू हो जाती है जहां पे एक ही स्लाइस में उस पुतले को काट देता है। वहीं फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों ही काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि अपनी सोफी काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, इजीली सारे के सारे पुतलों को कट कर सकती है। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आज के लिए बहुत हो, तुमने काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है। तभी अपनी सोफी कहती है कि क्या मैं हरा सकती हूँ। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि तुम किसकी बात कर रही हो, जहाँ वो कहती है कि मुझे सोफी को हराना है। प्रोटैगनिस्ट ये सब देख के कुछ सोचता है एंड कहता है कि सोफी को हराना काफी आसान नहीं होगा, मुझे नहीं पता तुम उसको हरा भी पाओगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपनी सोफी ने प्रोटैगनिस्ट को घुमा के जमीन पे गिरा दिया है एंड उसके ऊपर चढ़ के कहती है कि तुम मुझे कल भी सिखाओगे। तभी अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट प्रिंसिपल के साथ बैठा हुआ है, जहाँ पे प्रिंसिपल उससे बात करता है और कहता है कि और तुमने कोई दोस्त बनाए, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने उतने कोई दोस्त तो नहीं बनाए हैं, हाल ही में थोड़े बहुत दोस्त बने हैं एंड फिर अपना प्रोटैगनिस्ट के ऊपर वो प्रिंसिपल हंसना शुरू कर देता है। तभी फिर प्रिंसिपल उससे पूछता है कि जो दोस्त बनाए हैं उनका नाम क्या है, जहाँ पे वो कहता है कि वेल वो इतने खास दोस्त तो है नहीं, लेकिन उनमें से एक दोस्त बनाई है जिसका नाम है सोफी। ये सुनते जो प्रिंसिपल होता है वो कहते हैं कि अच्छा सोफी की बात हो रही है, सोफी तो काफी ज्यादा स्ट्रांगेस्ट होगी, मुझे पता था कि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें जरूर आएगा। प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि हाँ सोफी तो काफी ज्यादा ताकतवर है एंड ये सुनते जो प्रिंसिपल होता है वो कहते हैं कि वो तो होना ही था क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ही बनी, हम उसको कभी पूरा नहीं कर पाए, उसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो तुम्हें सरपास करके तुम्हें हरा सके, लेकिन अफसोस ये ना हो पाया। ये सुनते ही अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी जो उसका प्रिंसिपल होता है वो कहते हैं कि शायद तुम भूल गए, तुम किसी आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट हीरो के बारे में जानते हो, जहाँ वो बताते हैं कि जब भी एक ग्रेट हीरो इस दुनिया में होता है तो हम दूसरा ग्रेट हीरो भी बना सकते हैं। तो काफी सारे बड़े बड़े ग्रुप ने साइंस एंड पुरानी टेक्नोलॉजी एंड पुराने मैजिक के चक्कर में कुछ लोगों को बुलाया था, उनके ऊपर टेस्टिंग करी गई एंड फिर तुमसे ज्यादा पावरफुल हीरोज बनाने की तैयारी थी। उनमें से ज्यादातर लोगों को डुप्लीकेट भी करा गया था एंड काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी करे गए थे। तुम जिस सोफी के बारे में बात कर रहे हो उसका नाम सोफिता फेमटो है, फेमटो का मतलब होता है 12, यानी कि इसकी 12 डुप्लीकेट कॉपीज बनाई गई थी जिस ग्रुप ने ये सब किया था। मैंने उस ग्रुप को परमानेंटली बंद कर दिया है, टेंशन मत लो आप, सोफी एक सिंपल प्रोडक्ट की समान है जो कि यहाँ पे भटकती रहती है। एंड जब मैं उससे मिला था मैंने उसको कहा था कि अब तुम आजाद हो, तुम फ्री हो एंड ये सुनते सोफी कहती है कि क्या ये मेरा कोई कमांड है, मुझे लगता है वो आज ही बदली नहीं होगी। एंड ये सब सुन के अपना जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो काफी शॉक हो जाता है एंड वहां से भाग जाता है। एंड प्रोटैगनिस्ट जैसी बाहर होता है वो रियलाइज करते हैं कि सोफी एक आम लड़की थी लेकिन ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई ताकि वो और पावरफुल बने एंड वो मुझे हरा सके। सब मेरी ही गलती है, मुझे जो है सोफी को अब नॉर्मल लाइफ में वापस लाना ही होगा ताकि खुल के चीप एंड किसी के कमांड के तले ना दबी रहे। तभी प्रोटैगनिस्ट सोचते है कि अरे नॉर्मल का मतलब क्या होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो है अपने स्कूल की डॉक्टर के पास चला गया है, जहाँ डॉक्टर कहती है कि तुम्हारा तो कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था, तुम यहाँ पे क्यों आए हो।
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें देखूं तो अपने कपड़े उतार के मुझे दिखाओ। प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, मुझे बात बताओ कि मेरी उम्र के लड़के नॉर्मली क्या करते हैं। ये सब सुनकर जो डॉक्टर होती है वो काफी शर्माती है, कहती है कि चलो फाइनली तुम उसी सब्जेक्ट पे आ रहे हो जहाँ पे तुम्हारा मन कर रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ एंड मैं तुम्हें फाइनली बताऊंगी कि तुम्हारी जवानी यानी कि यूथ में क्या करा जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट सब सुनकर कहता है कि यूथ थैंक यू, एंड वहां से चला जाता है एंड फिर अपने दोस्त से पूछता है कि यूथ का मतलब क्या है, जहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि यार वैसे तो मुझे यूथ का कोई मतलब पता नहीं है, शायद प्यार ही होगा। एंड ये सब सुन करके वो वहां से भाग जाता है। तब जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो दो लड़कियों के पास जाता है एंड कहता है कि लव का मतलब क्या होता है। वो दोनों लड़कियां काफी शर्माती हैं, तब उसको बताई थी कि यार लव का मतलब होता होगा शायद डेट पे जाना। ये सब सुनके प्रोटैगनिस्ट वहां से भाग जाता है फिर से। फिर हमें दिखाया था कि प्रोटैगनिस्ट फाइनली आर्नेस्ट के पास पहुंच चुका है एंड उसे कहता है कि आर्नेस्ट डेट का मतलब क्या होता है। आर्नेस्ट कोई और ही मतलब समझ लेती है डेट का, उसको लगता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो उसको डेट करना चाहता है। वो काफी ज्यादा शर्माती है एंड कहती है कि यार मैं डेट अभी मैंने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा कि मैं तुम्हें यार डेट करूं, लेकिन तभी अपना प्रोटैगनिस्ट की बात काटता है एंड कहता है डेट का मतलब बताओ। जाओ कहती है कि डेट का मतलब होता है एक साथ घूमना फिरना बातें करना एंड हाथ पे हाथ रख के चलना। एंड फिर वहां से चला जाता है एंड कहते हैं कि चलो मैं डेट पे जा रहा हूँ बाय। आर्नेस्ट कहती है कि रुको किसके साथ तुम लोग डेट पे जा रहे हो। वहीं पे फिर अपना प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो किसी महल के दरवाजे के पास खड़ा होता है एंड वो साइड वाले गार्ड से पूछता है कि सोफी कहाँ पर है, जहाँ पे वो कहती है कि सोफी तो इस रूम के अंदर ही है। अपना प्रोटैगनिस्ट भाग के दरवाजा खोलता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि दो तीन लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं। तभी वो जो है भाग के सोफी के पास पहुंचता है एंड कहते हैं कि आओ चलो डेट पे चलते हैं। सोफी तब भी कहती है कि क्या ये कोई कमांड है, जहाँ पे कहते हैं कमांड नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है कि आर्नेस्ट एंड उसकी बाकी की दो दोस्त पेड़ से छुप करके अपने प्रोटैगनिस्ट को देख रही है, जहाँ पे देख पाती है कि अपना जो प्रोटैगनिस्ट है वो स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है। फिर आर्नेस्ट एंड उसकी दोनों दोस्त जो है प्लान करती है कि ये हमारा मिशन है, ताकि हम पता लगा पाए कि ये जो है किसके साथ डेट पे जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना प्रोटैगनिस्ट सोफी के लिए वेट कर रहा था, जहाँ पे सोफी आती है एंड कहती है कि ये नॉर्मल तो मुझे नहीं लगता एंड मुझे डेट के बारे में कुछ नहीं पता। ब्लेड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने हर चीज प्लान करी हुई है कि हम इतने घंटे में ये करेंगे, इतने घंटे में यहाँ जाएंगे, इतने घंटे में वहाँ खाने चलेंगे। उसके बाद वो दोनों हाथ पे हाथ रख करके जो है वहां से चले जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि अपनी आर्नेस्ट एंड बाकी की दो लड़कियां बातें कर रही होती हैं। तभी देख पाती कि उन्होंने उनसे नजरें हटा दी हैं, जहां हम देख पा रहे थे दोस्तों कि आर्नेस्ट एंड उसकी बाकी की जो दोस्त होती हैं वो अपने ब्लेड एंड सोफी दोनों को फॉलो करती हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं एंड कहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। तभी हम देख सकते हैं कि ब्लेड एंड सोफी दोनों ही एक ब्रिज पे होते हैं, जहाँ पे सोफी देख पाती है कि लोग जो है मछलियों को खाना खिला रहे हैं, जहाँ पे वो अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि मुझे भी इनको खाना खिलाना है। वहीं नीचे की तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्नेस्ट एंड उसकी बाकी लोग जो होते हैं पानी के अंदर रह रहे होते हैं। तभी अपना ब्लेड एंड सोफी दोनों ही जो होते हैं मछलियों के लिए खाना छोड़ देते हैं एंड फिर उन तीनों लड़कियों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना प्रोटैगनिस्ट एंड अपनी सोफी दोनों के दोनों जो होते हैं पंचिंग मशीन के पास चले गए हैं, जहां उनको पंच करके अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। तभी प्रोटैगनिस्ट एंड सोफी दोनों ही जो होते हैं वहां पे मारते हैं, जिस वजह से पूरी मशीन ही टूट जाती है। इसे बोल के आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे जो ओनर होता है वो जो होता है आर्नेस्ट एंड उसकी दो लड़कियों को पकड़ लेता है एंड कहता है कि इसका बिल कौन भरेगा, जहां पे दोनों ही उससे माफी मांगते हैं, कहती है कि आप ये अकेडमी में भेज देना बिल। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट एंड अपनी सोफी दोनों ही जो होते हैं नारियल पानी पीते हैं, वो भी एक ही स्ट्रॉ से, जहां पे वो दोनों ही आपस में मुंह से मुंह लगा करके जैसे पीते हैं। अपने प्रोटैगनिस्ट को काफी ज्यादा गुदगुदी सी मस्ती है, डायरेक्ट पीछे गिर जाता है, जहां पे सोफी कहती है कि यहां पे आओ मेरे साथ पियो वरना मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगी। प्रोटैगनिस्ट काफी शर्माते हैं, उसकी हार्ट बीट काफी तेजी की पड़ रही होती है, तब भी वो उसके साथ पी लेता है। वेल ये सब देख के अपनी जो आर्नेस्ट होती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो पागल सी हो रही होती है। तभी उसकी एक सहपाठी यानी कि उसकी एक दोस्त जो होती है उसको एक आइसक्रीम खिलाती है और काफी खुश हो जाती है, जहां वो लोग वापस से देख पाते हैं कि उन्होंने जो है ब्लेड एंड सोफी से दोनों से ही नजर खो दी है। तभी फिर अपना प्रोटैगनिस्ट पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पे सोफी उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मुझे पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें फॉलो कर रहा हो। तभी अपना जो ब्लेड होता है वो डायरेक्टली एक और बुक निकालते हैं, चेक करते हैं कि अगला मिशन कहाँ पे है एंड वो हैरान हो चुका था बिकॉज काफी ज्यादा टाइम निकल चुका था। तभी वो सोफी एंड अपना ब्लेड डिसाइड करते हैं कि लोग शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे, जहाँ पे दोनों ही काफी स्पीड की जंप करते करते काफी सारे किलोमीटर कवर करके अपने एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो अपने फाइनल मिशन की तरफ पहुंच चुके थे यानी कि लेजेंडरी फाउंटेन की तरफ, जहाँ पे सोफी कहती है कि आज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वो पूछती है प्रोटैगनिस्ट से कि क्यों तुमने ये सब ट्रेवल उठाया मेरे लिए, तुमने क्यों इतना डेट पूरा प्लान किया।
अपने ब्लेड को कुछ समझ नहीं आता एंड हड़बड़ाहट में कह देता है कि क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ये सब दोस्त का वर्ड सुनते ही सोफी काफी शौक हो जाती है एंड कहती है कि अगर तुम हम मेरे दोस्त हो या फिर हम दोनों दोस्त बनने वाले हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि दोस्तों के बीच में कभी कोई सीक्रेट्स नहीं होते एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊं। एंड वही जो है अपना सीक्रेट बताती है कि वो जो है एक ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, वो एक हाफ बचा हुआ प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो जो है अपनी पावर्स को दिखाती है कि कैसे उसने जो है सामने पड़ी हुई जो रॉड थी उसको पिघला दिया है एंड वो अपना वेट कभी भी बहुत ज्यादा कर सकती है एंड बहुत कम भी कर सकती है। मतलब कि वही यार उसके पास पावर है कि ग्रेविटेशनल पावर को चेंज कर सकती है, फिजिक्स के लॉ को भी चेंज कर सकती है एंड समय को भी रोक सकती है एंड वो कहती कि ये सब मैं सिर्फ 10 सेकंड ही कर सकती हूँ। फिर वो आखिर में बताती है कि मेरी ऐसी 12 डुप्लीकेट कॉपीज बनी थी एंड मैं जो लास्ट कॉपी हुई जो सर्वाइव करी जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल निकली थी। एंड फिर अपना ब्लेड भी अपने इमोशन के साथ बह करके उसको बता देता है कि मैं भी जो है द ग्रेट हीरो के नाम से पहले जाना करता था लेकिन अब जो है मैं इस जनरेशन में हूँ एंड इस टाइम पे हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई भी ताकतें नहीं है एंड मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी कोई भी मुझे माफी नहीं दे सकता एंड मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे माफ मत करो। तभी अपनी सोफी होती है उससे पूछती है कि सोफी फिर पूछती है कि तुमने कौन सी बड़ी गलती करी है। जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट उसको रिप्लाई में कहते हैं कि मैं ही हूँ वो श्राप, मैं ही हूँ वो कर्ज जिस वजह से तुम्हारी नॉर्मल लाइफ ऐसी लाइफ बन गई एंड तुम एक प्रोजेक्ट बन गई। जहाँ पे फिर वही वो चीजें बताता है कि उसकी वजह से अपनी सोफी को जो है ऐसे प्रोजेक्ट में बनाना पड़ा एंड फिर वो कहता है कि वो जो है काफी सारे लोगों को बचा नहीं पाया था जिस वजह से उसको काफी ज्यादा गम रहेगा एंड काफी लोग उसको हेट करने लग गए थे एंड उसकी जो ग्रेट हीरो की लाइफ थी वहीं पे खत्म हो गई थी। तभी अपनी सोफी पीछे से आती है एंड अपने प्रोटैगनिस्ट ब्लेड को हग कर लेती है जो कि काफी ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जहां उससे कहती है कि अगर तुम चूज भी नहीं करते ग्रेट हीरो बनना लेकिन तुम आज भी ग्रेट हीरो हो तो मेरे लिए काफी बड़ी इंस्पिरेशन हो, मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी बनूं। जहां पे फिर वो भी अपने आप को काफी मोटिवेटेड फील कर पाता है एंड फिर वो अपनी सोफी से कहते हैं कि ठीक है मैं भी अब अपना पास्ट भूल जाऊंगा एंड मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं ग्रेट हीरो हूँ एंड मैं आगे अपनी अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड कसम खाते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे का सीक्रेट कभी नहीं बताएंगे एंड वो अच्छे दोस्त बन के लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारे क्लासरूम फॉर हीरोज का एपिसोड नंबर 2 जिसका नाम है सोफी उसका हिंदी एक्सप्लेन यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। बाकी इसके एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेन चाहते हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना व्हाट्सएप पे अपने एनिमे फ्रेंड्स के साथ या फिर एनिमे ग्रुप्स में भी जहाँ पे तुमने बना रखे हो एंड इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जाओ जाके मुझे फॉलो कर देना। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए हिंदी एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए इट्स योर हिंदी साइनिंग ऑफ, नमस्ते।